एंड इट्स मी अगेन कलैरी एंड आई थिंक कि आई हैव बीन वेरी वेरी कॉन्स्टेंट. मैं बहुत ही लाइक दो दो दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ एंड आई होप कि मेरा कंसिस्टेंसी ऐसे ही बना रहे हैं एंड आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियोज को देखते रहो एंड लाइक करते रहो. सो इन टुडे वीडियोज वी आर गोइंग टू डू अर्बेनिक ड्रेस हॉल. आई हैव गॉट अ फ्यू कमेंट्स दैट आई शुड डू अ अर्बेनिक ड्रेस हॉल. सो हेयर आई एम. वैसे ना मैं अर्बेनिक से ना अपने बर्थडे के लिए कुछ ड्रेस ढूंढ रही थी क्योंकि हर बार क्या होता है कि मेरे बर्थडे से एक दिन या दो दिन पहले मुझे याद आता है कि हाँ मुझे बर्थडे ड्रेस लेना है जो कि मुझे कभी मिलता नहीं. तो मुझे उसे जुगाड़ करके ऐसे कुछ भी बर्थडे में पहनना होता है मेरे को. तो ऐसे भी मैं मतलब कुछ भी मैं जुगाड़ करके बर्थडे में पहन लेती हूँ. सो इस टाइम मैंने सोचा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. पहले से ही बर्थडे ड्रेस ढूंढ के रखते हैं एंड आई थिंक कि मैं ये ड्रेस अपने बर्थडे से पहले भी पहन लूंगी. आई डोंट नो. तो सभी जो ड्रेस है ना वो 1000-1500 ऐसे करके है. बट डोंट वरी, यू कैन यूज माई कूपन कोड जो कि है AA25. तो अगर आप वैसे न्यू यूजर हो ना तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा. अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हो तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा. इससे पहले वाले अर्बेनिक वीडियो में ना मैंने अर्बेनिक के साथ कोलैब किया था तो ये बार्टर था. बट फिर भी आई गॉट माई कूपन कोड. तो मैं ना सारे प्रोडक्ट में मैं खुद के कूपन कोड यूज कर रही थी एंड आई वॉज रियली हैप्पी. चलो कुछ तो अच्छा हुआ. तो बिकॉज आई पर्सनली लव अर्बेनिक का जो भी ड्रेस है, जो भी ऐसे टॉप्स है, बॉटम्स है, मुझे सब कुछ पसंद आता है बिकॉज दे आर काइंड ऑफ माई स्टाइल. लाइक टॉप मुझे बहुत पसंद आता है अर्बेनिक एंड स्पेशली बॉटम्स. सो हम लोग है ना बिना बकबक किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो ड्रेस है जो कि मैंने सोचा था कि अपने बर्थडे में लाइक दिन में पहनूंगी, मतलब मेरा फर्स्ट चॉइस था वो है ये. एंड मुझे ना चाहिए था ऐसे कम्फर्टेबल ताकि मैं आराम से पहन सकूं. मुझे ऐसे कुछ इनर वेयर क्या पहनूं इसके अंदर मुझे ऐसा सोचना ना पड़े क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं दिन में अगर कहीं जाऊंगी ना तो मुझे तो मतलब चाहिए ऐसा कुछ ड्रेस जो कि थोड़ा लगे बर्थडे अप्रोप्रिएट भी है. तो आई गॉट दिस ड्रेस एंड ये बहुत सिंपल सा ड्रेस है वैसे तो, बट इसका कपड़ा मुझे बहुत पसंद आया. बट द मेन हीरो ऑफ दिस ड्रेस इज द स्लीव्स. बहुत मतलब ऐसे तोता वाला वाइब आ रहा है बट फिर भी मुझे ये कलर पसंद है. मुझे तो बहुत पर्सनली अच्छा लगा पहनने पे. सो या स्टाइल. तो दिस इज द ड्रेस एंड इसके पीछे मैंने यहाँ पे इलास्टिक दिया हुआ है तो बहुत इजीली आप इसे पहन सकते हो. एंड ये वाला जो पार्ट है वो पूरा खुला हुआ है तो ये भी मतलब पहनने में इजी रहता है. एंड यहाँ पे बस सामने ये वाला थोड़ा सा अलग डिटेलिंग है यहाँ पे दिया हुआ. सो आई लाइक द डिटेलिंग एंड कपड़ा भी बहुत कम्फर्टेबल है. इसका लेंथ भी सही है तो मैं आराम से इसे दिन में पहन के जा सकती हूँ बर्थडे में अपने. उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो है, मुझे और भी एक ड्रेस पसंद आ गया. अगर मैंने सोचा कि अगर मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी रात में तो आई विल वेयर दिस ड्रेस. एंड पता नहीं मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हूँ भी या नहीं, बट ड्रेस रहना इम्पोर्टेंट है क्या पता. सो सेकेंड इज दिस वन यू कैन सी. एंड इस टाइप का ड्रेस तो वैसे मैं पहले नहीं लेती थी क्योंकि मुझे लगता था कि एक बार ही ड्रेस लेने पे ना फिर वो हो जाता है कि दोबारा नहीं पहनना, मतलब दोबारा नहीं पहन सकते हैं ऐसा मेरा वो था थिंकिंग. तो इसीलिए मैं ज़्यादातर ड्रेस नहीं लेती हूँ. बट बर्थडे के लिए तो लेना ही पड़ेगा कुछ यूनिक सा. तो दिस इज़ द मेन हीरो पार्ट ऑफ दिस ड्रेस. ये बहुत अच्छे से पैक होकर के आया था. लाइक यहाँ पे ऐसे प्लास्टिक था जो कि ये थोड़ा सेफ रहे तो ये अच्छे से पैक होकर के आया था. एंड दिस इज द ड्रेस. काफी ब्लिंगी ब्लिंगी सा है एंड अगर आप रात में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो तो काफी सही है. वैसे आप बर्थडे नहीं भी सेलिब्रेट कर रहे हो, पार्टीज वार्टीज के लिए भी काफी सही लगा मुझे ये तो. एंड रूज काइंड ऑफ ड्रेस है, ब्लैक भी है जैसे ब्लिंगी ब्लिंगी सा इफेक्ट भी है एंड इसका कपड़ा भी मुझे सही लगा. बट द थिंग इज की ना इसमें मतलब पैड भी है दिया हुआ लाइक इस पैडेड. तो या आई एम हैवी बस्टेड तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था कि मुझे पता नहीं अच्छे से अच्छा मतलब ऐसे दिखेगा कि नहीं लुक, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरे को फिट नहीं आने वाला है. बट ऐसे भी पहनने में मुझे अच्छा लगा तो आई एम गोना कीप इट क्योंकि मुझे बहुत बहुत सुंदर लगा ये वाला ड्रेस. एंड पीछे में पूरा यहाँ पे जिपर दिया हुआ है तो आराम से आप पहन सकते हो इसको. सो इफ यू आर लाइक नॉट हैवी बस्टेड ना तो ये वाला ड्रेस तो बिल्कुल फिट होने वाला है. मतलब ऐसे जरूरी नहीं आप इसे कुछ ब्रा या इनर वेयर पहनो तो आराम से आपको इसे फिट हो जाएगा. एंड यहाँ पे अच्छे से ये दिया हुआ है बांधने के लिए. सो मतलब ये यहाँ पे सिक्योर रहता है क्योंकि बॉडी कॉन ड्रेस है ना तो जल्दी से ऐसे कुछ गिरने होने का खतरा नहीं है, मतलब माल फंक्शन होने का कुछ भी वो नहीं है. सो वेरी वेरी प्रिटी ड्रेस एंड सो हैप्पी. एंड लेट मी नो कि आपको मेरा बर्थडे ड्रेस अच्छा लगा या नहीं लगा
इन द कमेंट सेक्शन। ओके सभी ना, मैंने देखा कि अर्बेनिक पे ना बहुत सारे अच्छे अच्छे बैग के कलेक्शन भी आ गए, विच इज रियली रियली ट्रेंडी, पिंटरेस्टी एंड आई थिंक काइंड ऑफ अफोर्डेबल है, मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं बैग्स भी ऑर्डर करूँ। सो लेट मी नो इफ यू वांट टू सी अर्बेनिक बैग्स हॉल और समथिंग लाइक दैट, एंड एसेसरीज वगैरह भी काफी ऐसे अच्छा मिल जाता है अर्बेनिक पे। सो लेकिन आज ना मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बैग विच इज फ्रॉम ज़ूक। आई हैव 3 or 4 मोर बैग्स फ्रॉम ज़ूक एंड सारे ना लैपटॉप बैग है, बहुत बहुत ज्यादा काम आया मेरे को, मतलब चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे वो कॉलेज जाना हो या फिर ऑफिस के पर्पज से हो। तो हम तीनों बहन ने ना बहुत ही अच्छे से उस वाले बैग का यूज किया है, लाइक लिटरली बहुत सारा काम आता है, अभी भी वो बहुत काम आता है। तो दिस टाइम आई गॉट दिस बैग, स्लिंग बैग मैंने लिया इस बारी, ताकि मैं ना इसमें एक वियर पे या इंडो वेस्टर्न वियर पे ऐसे कुछ पहन पाऊँ तो थोड़ा अच्छा लगे। सो दिस इज द बैग एंड आई रियली लव द क्वालिटी एंड इट सेज यहाँ पे ज़ूक है इसका, यू कैन सी। एंड अभी ना वुमेंस डे आ रहा है, सो आई एम थिंकिंग कि ना मैं ये वाला गिफ्ट कर दूँ अपनी बहन को फिर से, क्योंकि वो लोग को ना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था ये वाला बैग एंड साथ साथ मैं तो यूज़ करूँगी। सो जो ये वाला इतना बड़ा सा स्लिंग है तो उसको आप चाहे छोटा या बड़ा तो कर ही सकते हो ऑब्वियसली, एंड इसके पीछे में भी एक चेन है। सो यहाँ पे भी काफी, इस वाले बैग में भी ना काफ़ी स्पेस, ऐसा नहीं कि नहीं है, लैपटॉप वाले बैग में तो है ही स्पेस बट इसमें भी काफ़ी स्पेस है। सो यू कैन सी इसमें भी पेपर ऐसे आया हुआ जैसे हर टाइम आता है, इसके अंदर भी ना काफी ज्यादा ही स्पेस है। सो जिस टाइप से ना वैसे लैपटॉप वाले बैग में या फिर वो बड़े वाले बैग में आता था ना मैसेंजर बैग, तो उसमें भी ना इस टाइप से पॉकेट था, इसमें भी है, तो बहुत ज्यादा स्पेसियस है एंड इट हैज सो मेनी कंपार्टमेंट, यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट एंड ये फिर ये सेकेंड हो गया, फिर यहाँ पे भी आप चेन खोल करके इसमें भी बहुत कुछ रख सकते हो, लाइक मेकअप पैसे वैसे रख सकते हो यहाँ पे, इसमें काफी ज्यादा स्पेस है, आई होप यू कैन सी। एंड ये तो फिर एक और बड़ा सा हो ही गया, फिर यहाँ पे भी चेन है, इसमें भी काफी स्पेस है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो अंदर में 6 कंपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, मतलब देखा जाए तो। आई रियली लव इट एंड जिसमें बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंट रहता है ना उसमें ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारी चीज़ें बहुत सही रहता है, चाहे आप ट्रैवल पे भी जा रहे हो ना तो भी ऐसे साइड में अगर आपको बैग रखना है तो उस टाइम पे भी ये बहुत काम आएगा, मतलब लिटरली सो वर्थ इट, लव द क्वालिटी। तो ये जो ज़ूक के बैग होते हैं ना वो 100% वीगन होते हैं, पेटा अप्रूव्ड होते हैं, तो प्राइस वाइज ना मुझे काफी सही सा लगा एंड वैसे आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो दिस वन टू गेट 12% ऑफ ऑन देयर वेबसाइट। सो लिंक है जो आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इफ यू वॉन्ट टू चेक आउट देन प्लीज गो अहेड। एंड ये सुंदर भी लगेगा देखने में एंड काफी इसमें बहुत सारी चीजें आ भी जाएंगी। एंड इसके बाद ना मैंने अर्बेनिक से ही एक और चीजें मंगवाई विच इज दिस क्लचर। तो वैसे मेरे बालों में ना ऐसे बड़े बड़े क्लेचर ही ज्यादा अच्छे से आते हैं, वैसे छोटा वाला जो होता है ना वो बार बार गिर जाता है, तो ऐसे मैं दुकान से भी बाहर से लेती हूँ ना तो 50 या 69 रुपीज ऐसे करके पड़ जाता है, तो मुझे अर्बेनिक में भी सेम प्राइस का मिला लाइक कूपन कोड वगैरह मिला करके। तो आई गॉट दिस वन एंड सुपर क्यूट, मतलब बहुत अच्छा कलर है, पेस्टल पिंक कलर है, 69 रुपीज का सही लगा, क्योंकि बाहर भी उतने का ही आता अगर आप बड़े क्लेचर लेते कहीं कहीं पे तो 100 रुपीज भी मिल जाता है इसी साइज का क्लेचर में, तो आई थिंक अगर आप कपड़े के साथ ले रहे हो तो फिर डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगता है, फिर कूपन कोड भी लग जाता है, तो विच इज रियली नाइस, सो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस लेवेंडर कलर का जैकेट, ये सेम टू सेम वैसे रैप अराउंड वाला ही जैकेट है जो कि मैं बहुत सारे हॉलीडेज में दिखा चुकी हूँ, ऐसे वाले मतलब टॉप्स जैकेट्स बहुत बारी दिखा चुकी हूँ, बट इसका कलर मुझे ना लिटरली बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। सो या आई गॉट दिस एंड सर क्वालिटी वगैरह भी सही है, तो समर सीजन में भी आप आराम से इसको पहन सकते हो, अगर आपका ऐसे कहीं वेकेशन पे जाने का मन है या बर्थडे में या फिर ऑफिस, तो कहीं पे भी पहन सकते हो, मुझे बहुत प्यारा लगा, मतलब सोफिस्टिकेटेड कलर है, उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है इसमें, तो चल जाएगा समर सीजन में, हाँ बट हाँ शाम में चल जाएगा या फिर डिनर डेट के लिए उस टाइम पे चल जाएगा, या आराम से हरी दोपहरी में बिल्कुल भी नहीं जाएगा क्योंकि बहुत गर्मी लगेगी अभी। सो या दैट्स इट। थर्ड ड्रेस इज अगेन अ ब्लैक कलर वन, तो ये ना मैंने बहुत पहले ही ऑर्डर किया था, ये दोनों ड्रेस ना मुझे ऐसे बहुत जल्दी आ गया था, लाइक 5 to 7 days में ही आ गया था, वैसे तो अर्बेनिक का जल्दी आता नहीं है बट मैंने सोचा कि पहले ही ऑर्डर करके ले लेती हूँ ताकि आराम से, मतलब मेरे बर्थडे से पहले आ जाए, बट ये बहुत पहले आ गया। बट दिस ड्रेस ये मैंने बहुत पहले ऑर्डर किया था बट ये बहुत लेट से आया है एंड यू कैन सी इन द पिक्चर। तो मैंने ना इसके बाद ही एक और वाला ड्रेस ऑर्डर किया था पिंक कलर में, जो कि मैंने जिसका हॉल वीडियो डाल चुकी हूँ एंड वो पिंक कलर में था, लाइक वैलेंटाइन डे के अराउंड मैंने डाला था वो वीडियो, बहुत सुंदर
वो भी ड्रेस था, तो इससे पहले मैंने ये वाला ड्रेस किया, सेम सेम उसी के पैटर्न वाला ये भी ड्रेस है, बट इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग ये है कि यहाँ पे पर्ल है दोनों साइड में दिया हुआ, तो मुझे बहुत पसंद आया। इसका कपड़ा कुछ इस टाइप का है, तो कपड़ा ना मतलब ये काफी थोड़ा हैवी काइंड ऑफ ड्रेस है, एंड आई गॉट दिस इन साइज लार्ज एंड, बट ना इसमें ये प्रॉब्लम मेरे को आ रहा था कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल से फिगर आउट हो रहा था ये वाला ड्रेस, यहाँ पे ब्लेजर वाला पार्ट है यू कैन सी, तो ये ना अच्छे से फिगर आउट भी नहीं कर पा रहे थे, मतलब जैसा फोटो में दिख रहा है ना वैसा ये बिल्कुल भी ऐसे डिजाइन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि ना ये पूरा ऐसे ओपन हो जा रहा था, तो जो कि वो पिंक वाले ड्रेस में ऐसा नहीं था, वहां पे स्टिच था एंड कुछ भी ऐसे सेफ्टी पिन या फिर फैशन टेबल आने कुछ भी जरूरत नहीं पड़ रहा था उस वाले ड्रेस में, बट इसमें ना मतलब कितना भी फिगर आउट कितना भी मैंने सुलझाया इसको तो मुझसे नहीं हुआ। आई थिंक ये थोड़ा सा ना मतलब गड़बड़ आ गया है, क्योंकि ऐसा ड्रेस तो नहीं होना चाहिए, तो इसमें मुझे सेफ्टी पिन लगाना पड़ा प्लस फैशन टेप लगाना पड़ा इसको मतलब सेम डिजाइन करने के लिए, तो आई थिंक कि आई एम गोना एक्सचेंज इट या फिर रिटर्न इट, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया, बहुत ज्यादा ऐसे वो करना पड़ेगा, सेफ्टी पिन लगाओ फैशन टेप लगाओ, फिर भी बहुत मतलब कंफर्टेबल नहीं लगा मुझे ये वाला ड्रेस, एंड ये फुल स्लीव है। या थर्ड इज दिस वन, एंड द नेक्स्ट ड्रेस दैट आई हैव इज दिस वाइट कलर का लाइक जंप सूट बोल सकते हैं, इस टाइप का ड्रेस मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया था, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि थोड़ा मुश्किल है ना वॉशरूम जाने में, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है जंप सूट वगैरह, एंड मैंने भी सोचा कि लेट्स ट्राई दिस वन। तो ये ना 2000 rupees का था, मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगा, बट उस पर ना मतलब फोटो पे एंड रिव्यू में बहुत सुंदर लग रहा था, तो आई थॉट कि चलो लेना चाहिए। सो ये वाला जो ड्रेस है इसका जो मटेरियल है ना वो मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे तो, क्योंकि इसका जो यू कैन सी द वाइट डिटेलिंग एंड द फ्लावर, बहुत सही वाला डिटेलिंग है इसका, एंड आई गॉट दिस इन साइज मीडियम, तो मुझे ना बहुत ऐसे लूज आ रहा था, आई थिंक कि इसमें ना आपको लेना चाहिए ना तो एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल लेना चाहिए था इसमें, क्योंकि ना ऐसा फील आएगा अगर आप ऐसे थोड़ा सा बड़ा साइज चले जाओगे इस पे ना, तो ऐसा फील आएगा कि लाइक वो नहीं होता कि मिकी माउस वाला जो कॉस्ट्यूम होता है उस टाइप का फील आएगा, बट दिस अगर आप इसको सही साइज में लेते हो ना तो बहुत अच्छा लगने वाला है आपकी बॉडी टाइप पे। आई लाइक एवरी थिंग बट इसका फिट मुझे अच्छा नहीं आया, तो मुझे इसमें साइज एक्स्ट्रा स्मॉल लेना चाहिए या स्मॉल लेना चाहिए तभी जाके सही होगा ये वाला फिट। अगर कोई स्पेशल ओकेजन पे आप लेना चाहते हो ना तो जरूर ले सकते हो, बट मेक श्योर कि आप अपने सही साइज में लो, तभी बहुत ये सुंदर, तभी ये बहुत बहुत ज्यादा सुंदर दिखेगा, फिर तो कोई मतलब टक्कर ही नहीं है, क्योंकि व्हाइट कलर ना बहुत ऐसे अलग से ही हाईलाइट हो जाता है, तो अगर आपका कोई स्पेशल ओकेजन है ना तो आप बहुत अच्छे दिखने वाले हो उसमें। एंड द नेक्स्ट थिंग इज नॉट अ ड्रेस, आई गॉट जींस फॉर माई सेल्फ एज वेल, सो दिस इज द कार्गो पैंट, इसमें ना फ्रंट पॉकेट है दिया हुआ लाइक यू कैन सी, तो मुझे इसीलिए अच्छा लगा कि मेरे पास एक पहले भी था, दिस इज नॉट इन वाइट कलर वैसे, तो ये ना मतलब थोड़ा एप्रिकॉट कलर का है, तो दैट्स इट, एंड आई होप कि आपको ये कलेक्शन पसंद आया हो, एंड सी यू गाइस वेरी वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।